हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंथर 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ डाउट्स हैं जो दोस्तों के हमारे आ रहे हैं बार बार, तो उन्हीं के सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ऐसी जो आपको परेशान होने की ज़रूरत हो, बट कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो शायद आपके भी हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, शायद हो सकता है उनकी भी यही क्वेरी आ रही हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नोटिस है ये वो वाला नोटिस है जो पहले आया था, जिसमें कि सारे मंडल हो के वही हैं पहले के जैसे, और जैसे कि दो मंडल चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे इसमें लिखा है वाराणसी मंडल का जो मंडल है उसको जो हाँ उपस्थित होना है वो केंद्रीय कारागार वाराणसी वाला है ये, और यहाँ पर इसकी जगह थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ से हटा के संपूर्णानंद कारागार लखनऊ वाला जो पता है उस पर आपको उपस्थित होना है सेम तिथि में। ये जो तिथि है यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा एक बार, ये जो तिथि दी हुई है ये जो है इन्हीं तारीख में, और आपको ये जो कैंडिडेटों की यहाँ लिस्ट दी हुई है आप यहाँ देखेंगे, ये वाले जो कैंडिडेट हैं इनको सबको उसी तरीके से प्रस्तुत होना है लखनऊ में। ठीक है, आपका सबसे बड़ा डाउट जो था यही था कि सर हमें किस तरीके से वहाँ जाके प्रेजेंट होना है, हमें किस डेट में जाना है, हमारी कोई डेट नहीं दी गई है नए नोटिस में। नया नोटिस भी मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि नए नोटिस में क्या क्या चीज़ चेंज हुई हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा ताकि आपको दोबारा दोबारा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े इसीलिए। और इसमें एक चीज़ चेंज और हुई है, जहाँ यहाँ आप देखेंगे फतेहगढ़ मंडल लिखा हुआ है, ये फतेहगढ़ मंडल आप नए नोटिस में देखेंगे इसकी जगह लिखा हुआ है कानपुर मंडल, और कानपुर मंडल लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको यहाँ पे जो यहाँ उपस्थित होना है वो है केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, और कानपुर मंडल में भी जहाँ आपको उपस्थित होना है वहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ तो कानपुर लिखा हुआ है और यहाँ जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ इसके अंदर यही लिखा हुआ है केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, और यही सारी डेट है उसमें भी सेम। ठीक है, इन्हीं डेट पे आपको ये कैंडिडेट जो भी दिए हुए हैं नंबर रोल नंबर से इनको उपस्थित होना है। इसके बाद दूसरा डाउट क्या है, देखो दूसरा डाउट मैं आपको बता दूँ, सबके डाउट आ रहे हैं सर हमको नहीं पता चल रहा कि सीरियल नंबर कौन सा वाला है, हम किस सीरियल नंबर को माने, जैसे कि यहाँ लिखा है 268 से 235। ठीक है, ये आप देखेंगे तो 268 से 235 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 268 से लेके 235 तक जो कैंडिडेट हैं मेरठ मंडल के उन्हें संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान पुरानी जेल रोड लखनऊ में उपस्थित होना है, ये महिला अभ्यर्थी हैं। और उसी तरीके से सेम, तो सबसे बड़ी बात ये तो चलो आपको समझ में आ गई कि ये इतने से इतने तक जाना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सीरियल नंबर वाले हैं कौन से। ठीक है, ये जो सीरियल नंबर है किस अकॉर्डिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रुक जाइए आप। ठीक है, मैं आपको वो नोटिस भी लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन से वाले सीरियल नंबर है। ठीक है, लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये लिस्ट है। ठीक है, जो इस लिस्ट में ये वाली लाइन है ये देखेंगे, ये वाली लाइन पहली वाली लाइन, इसमें जो नंबर हैं ये आपके सीरियल नंबर हैं। ठीक है, ये वाले जो नंबर हैं जिनको मैंने रेड से मार्क किया यही वाले आपके सीरियल नंबर हैं। लिखा आप कुछ कह रहे हैं कि सर लिखा तो इस पर भी सीरियल नंबर, ये वाली जो लाइन है ये आपको मैं दिखा दूं, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ये इस पर भी सर सीरियल नंबर तो इस पर भी लिखे हुए हैं, ये इसके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा हुआ, क्या इसके अकॉर्डिंग हमें मिला है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है, मेरी जो बात हुई है जो नियुक्ति अधिकारी हैं हमारे उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जो पहली वाली लाइन में है वो आपके सीरियल नंबर है, जो दूसरी लाइन में वो आपके सीरियल नंबर नहीं है, उनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो नंबर जो है उसको आप इग्नोर करिए, जो आपके फर्स्ट लाइन में है वही आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सीरियल नंबर कैसे देखना है, अब आपको चेक कैसे करना है कि आपको कहाँ किस जेल पर जाना है। ठीक है, आपका किस तरीके से क्या है, देखिए आप देखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, ये वाला ये यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसके बाद आप देखेंगे सीरियल नंबर ये है, आपका रोल नंबर यहाँ है, आपका नाम यहाँ है। ठीक है, जेल वार्डन के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, आपका जिला ये जो है आपका गृह जनपद होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गृह जनपद है, और आपको जो मिला है वो ये मिला है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें जितने भी कारागार लिखे हुए हैं यहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, यहाँ आपको प्रस्तुत होना है या नहीं होना है वो बात की बात है, पर यहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, ये बात आप सीधे सीधे समझ लीजिए। ठीक है, जिनको भाई को नहीं समझ में आ रहा है, जिन बहनों को नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें आपके लिए भी इसमें इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली हैं। नेक्स्ट चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हमने ये दिखाया आपको, उसके बाद हम आते हैं अपने
वापस से अपने जो भी हमारा नोटिस है आप इसमें देखेंगे, तो इसमें उसी तरीके से दिया हुआ है सब, आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ नंबर दिए हुए हैं वो नियुक्ति अधिकारियों के, ये नंबर आपके पास हैं, आप अपने मंडल के नियुक्ति अधिकारी से, जो मंडल आपको इशू हुआ है उनसे सीधे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सर हमें कब आना है, क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं। वैसे सब मैंने आपको जानकारी दे दी है क्या क्या आपको लेके जाना है, यहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें जो नया नोटिस आया उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये इन्होंने मतदाता पहचान कार्ड और आधार कार्ड जो है अलग अलग मांगे थे, बट उसमें एक ही कहा है कि आधार कार्ड भी अगर आपके पास है तो उसको लेके आ सकते हैं, पैन कार्ड भी है लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मांगी थी, इसमें मांगे थे आपके भर्ती वाले एडमिट कार्ड। ठीक है, नए वाला जो नोटिस आया है, अब मैं आपको वो नया नोटिस दिखाने वाला हूँ, रुक जाइए। नया वाला जो नोटिस है, नया नोटिस मैं आपको दिखा दूँ, मैं दिशा निर्देश आया नए नोटिस में, वो है आपका कि एक सेकेंड, ये तो पुराना नोटिस है, नया नोटिस आपका ये रहा। नए नोटिस में आप देखेंगे इसमें कहीं भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो दोस्तों एडमिट कार्ड वाली बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया ये है आपका नोटिस, इसके अंदर कहीं भी आपका एडमिट कार्ड नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसमें जो आपकी आईडी है, जैसे कि आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑब्लिक में लगा के दिया है इन्होंने, इन तीनों में से एक आपको आपको लेके जाना है, जैसे कि मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक लेके जाना है जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस वक्त। ठीक है, तीन लिफाफे, मैंने लिफाफे का पहले ही बता दिया है लिफाफे किस तरीके से होंगे, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने थंबनेल पे दिया हुआ है लिफाफे किस तरीके के होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लिए क्या और ज़रूरी जानकारी है, अगर आपको समझ में आ गया कि आपको अपना कैसे देखना है, कैसे पता करना है कि आपका किस ज़िले में है, किस मंडल में, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप देखेंगे जो लास्ट नोटिस मैंने अभी आपको दिखाया था उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको किस हिसाब से कहाँ जाना है। आप यहाँ देखिए, मान लीजिए सीरियल नंबर आपका है, आपका सीरियल नंबर 417। ठीक है, ये 417 यहाँ देखेंगे आप, 417 पुरुष श्रेणी में आपको 11 तारीख में, ये यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, ये तिथि देखेंगे आप, ये तिथि लिखी हुई है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ सही से, ये वाली तिथि है यहाँ पे किस तारीख में आपको प्रेजेंट होना है, कितने से कितने बच्चे तक उस डेट में जाएंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पुरुष है महिला है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर जो इन डेट में नहीं पहुँच पाते, जैसे कि कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है, सर अगर मेरा LLB का एग्ज़ाम है या सर मेरा किसी चीज़ का एग्ज़ाम है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अलग से डेट दी हुई है, जैसे 16 तारीख को वो उपस्थित हो सकते हैं। मुरादाबाद में उसी तरीके से उपस्थित होने की डेट है 12 तारीख। ठीक है, मुरादाबाद वाले कैंडिडेट 12 तारीख को प्रस्तुत हो सकते हैं सर के सामने, वहाँ पर जा सकते हैं अपना जो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है मुरादाबाद वालों के लिए, सहारनपुर मंडल वालों के लिए और आपके गोरखपुर मंडल वालों के लिए, बस्ती मंडल वालों के लिए, और जो गोंडा मंडल के उनके पास 13 तारीख तक का टाइम है, 13 तारीख को वो जा सकते हैं, जो और दिन में नहीं जा पा रहे 9 से 12 तक नहीं जा पाएंगे वो 13 में जा सकते हैं, आजमगढ़ में भी 13 को जा सकते हैं, अयोध्या में भी 13 को जा सकते हैं, जो और दिन नहीं जा पा रहे 9, 10, 11, 12 में नहीं जा पा रहे हैं वो 13 में जा सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी क्वेरी नहीं होगी, बस आप अपना रीज़न बता सकते हैं कि सर मैं इस कारण नहीं पहुंच पाया। उसी तरीके से लखनऊ मंडल वाले अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से तो वो 16 तक जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा के। इसी तरीके से आगरा वाले भी 16 तक जा सकते हैं, बरेली वाले भी 16 तक जा सकते हैं, वाराणसी वाले भी 16 तक जा सकते हैं, और इसी प्रकार जो प्रयागराज मंडल है, प्रयागराज मंडल में आप 14 तारीख को उपस्थित हो सकते हैं, अगर 13 तक भी आप नहीं जा पाए किसी कारण से आप 14 को उपस्थित हो सकते हैं। फतेहगढ़ में भी आपको 16 तक उपस्थित होने का टाइम दिया गया है, और यहीं आपका झांसी मंडल में 13 तारीख और बांदा में 14 तारीख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या क्या लेके जाना है, वो आपको दूसरा जो नोटिस है उसके अनुसार आपको बनवाने हैं। इसमें एक दो चीज़ एक्स्ट्रा दी है, जैसे कि आपको यहाँ पर इन्होंने दिया था कि आपको प्रवेश पत्र लेके आना है, प्रवेश पत्र नहीं भी है चल जाएगा, और है तो बहुत अच्छी बात है, लेके जाना उनकी फोटोकॉपी करा के। ठीक है दोस्तों, और सभी की आपको दो दो स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी लेके जानी है, मतलब खुद से साइन करके, और जो आपको लग्न 1 और 2 है उसको पूर्ण रूप से भरने का तरीका भी हमने वीडियो में बता चुका है आपको, पहले ही आपके पास एक वीडियो आ चुकी है इसके लिए, आप जाके देख सकते हैं हमारी वीडियोस में। ठीक है, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही जैसे आपकी कोई भी कमेंट आती है उसी हिसाब से हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हिम्मत मिलती है हमको वीडियो बनाने के लिए आपके सब्सक्राइबर की वजह से ही। जय हिंद दोस्तों।